आज यूनिट डिस का टॉपिक हमारे सामने है, जो कि हर एक एग्जाम में, चाहे वो नेट हो, गेट हो, आईआईटी जेम हो, इवन एसएससी में भी एज अ जनरल पेपर के अकॉर्डिंग ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। नेट में देखा जाए तो नंबर थ्योरी में रहेगा, और एसएससी में जनरल पेपर में इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आराम से पूछा गया। इवन गेट 2012 या फिर नेट 2012 में इस टॉपिक से एक ही समय में दो क्वेश्चन पूछ दिया गया, जो कि 3 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कंटेन करता है। तो देखते हैं कि यूनिट डिजिट हम किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका पावर हम ले रहे हैं 2, 1, 4, 5, 6। क्वेश्चन क्या है कि इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, मुझे इसमें इंटरेस्टेड है। पूरा नंबर क्या है मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं, मुझे बताना है कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या आएगा, जिसको हम लोग लास्ट डिजिट बोल रहे हैं, लास्ट डिजिट बोल रहे हैं और यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। तो मुझे ये बताना है, टॉपिक यही है कि अगर कोई भी नंबर दिया है, कोई भी नंबर कितना बड़ा क्यों ना हो, उसका पावर भी कितना बड़ा हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर मुझे, तो उसको सॉल्व करने के बाद जो लास्ट डिजिट आएगा वो क्या आएगा मुझे ये बताना। तो देखते हैं हमारे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक हमारे पास नंबर है इसका लास्ट डिजिट 6, उसका कुछ पावर किया गया है। दूसरा है हमारे पास एक नंबर है इसका लास्ट डिजिट 5, इसका कुछ पावर किया गया है। सेम वे में ये नंबर दिया है इसका लास्ट डिजिट 0, उसका पावर किया गया है। एंड इसमें लास्ट डिजिट 1, इसका पावर किया गया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, इसका मतलब क्या कि वैसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट या तो 6 हो या 5 हो या 0 हो या 1 हो, तो उसका पावर कुछ भी रहे, कितना भी बड़ा रहे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका आंसर 6 है तो 6 लिखा जाएगा, 5 है तो 5, 0 तो 0, 1 है तो 1। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसा नंबर जिसके लास्ट डिजिट में 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो, उसका अगर कितना भी बड़ा पावर क्यों ना हो, उसका उसमें लास्ट डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वो एज इट इज नंबर लिखा जाएगा। जैसे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया है 1, 2, 4, 5, 6, इसका अगर पावर हमको पूछ रहा है 1, 2, 1, 4, 7, बोल रहा है इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट डिजिट क्या आएगा, तो देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट क्या है 6, तो कुछ नहीं आंख बंद करके आराम से 6 लिख देना है, जो कि हमारा सिर्फ देखते ही ऐसा मुझे मिल जाएगा, मुझे लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ना, मुझे लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 1, 4, 1, इसका अगर मुझे निकालना है 1, 2, 4, 7, 8, इसका मुझे लास्ट डिजिट पूछ रहा है, देख रहे हैं यूनिट डिजिट क्या है 1, ऊपर मुझे देखने का जरूरत ही नहीं है कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1 है, आग बंद करके आप 1 लिख दो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 1, 4, 0, ऊपर दिया है, सेम नंबर दे दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 है, पावर में कुछ भी रहे 0 होगा। एक और केस कौन सा है 1, 2, 1, 4, 5, इधर मुझे कितना भी नंबर बढ़ा दे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ऊपर भी देगा 1, 2, 1, 4, 5, 5, 4, 3, इसका लास्ट डिजिट पूछ रहा है, बेस में 5 है, ऊपर में कुछ भी रहे 5 है तो 5 में दिखा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास वैसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट 6 हो, 1 हो, 5 हो, 0 हो, उसका पावर कुछ भी रहे वो नंबर एज इट इज लिखा जाएगा। तो हमारे पास 5, 1, 6 और 0, ये 4 नंबर कंप्लीट हो गए जिसका हम लोग लास्ट डिजिट आसानी से और 9 देखते हैं कि मतलब मुझे वैसा नंबर का यूनिट डिजिट निकालना है जिसके बेस में, इसके बेस के लास्ट डिजिट 4 हो या फिर 9 हो। तो हम जानते हैं कि 4 का पावर 1 क्या होता है, 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 16 का 6 लिखेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट डिजिट, 4 को क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 4, 24, 24 का लास्ट डिजिट है 4, तो सिर्फ 4 लिखेंगे, इसको 4 का पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 4, 16, 16 का लास्ट डिजिट क्या है 6, तो 6 लिखेंगे। सेम वे में ये नंबर रिपीट होता जाएगा। इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि हमारा जो साइकिल है वो 2 लेंथ का है, 2, क्योंकि 2 के बाद ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसका मतलब क्या है कि अगर पावर का 4 का पावर ऑड रहेगा तो 4 लिखाएगा, 4 का पावर इवन रहेगा तो 6 लिखाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे।
जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है 1 2 4 1 4 6 4, ये नंबर क्वेश्चन है, इसका मुझे पावर बोल रहा है 1 2 4 1 2, ये क्वेश्चन दिया है, बोला है कि इसका लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या आएगा वो बताइए। देख रहे हैं कि बेस में 4 है, मुझे इसे कोई अर्न नहीं है, इसको आप काट सकते हो, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 4 है, 4 का पावर क्या है, इवन की ऑड, इवन है, इवन है, तो देख रहे हैं कि 4 का पावर मतलब क्या लिखोगे आप, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से क्या होता है 6। अगर सेम वे में क्वेश्चन दिया है 1 4 1 2 4 1 4, इसका दे दिया 1 2 1 4 1, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो नंबर है इसका बेस जो है इसका लास्ट डिजिट क्या है 4, तो 4 का पावर क्या है, ऑड है, इवन ऑड है, तो आराम से इसको 4 का पावर 1 लिखो और उसके बाद 4 का पावर 1 क्या होता है 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। सेम वे में अगर हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर दिया है जिसका लास्ट डिजिट 4 है, उसका पावर देख लेंगे हम, पावर देखेंगे कि इवेन है ऑड, अगर इवेन रहा तो 4 का स्क्वायर लिख के, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 का लास्ट डिजिट 6। सेम में अगर हम कोई भी नंबर दिया है 4 से जो खत्म हो रहा है, लास्ट हो रहा है, उसका पावर देखेंगे, पावर अगर इवेन है ऑड है, ऑड रहेगा तो 4 का पावर 1 लिखेंगे जो कि 4 आता है। इसका मतलब अगर हमारे पास वैसा नंबर जो 4 से एंड हो रहा है उसका यूनिट डिजिट हम आराम से निकाल सकते हैं। अब आते हैं 9 पे, 9 का 1 करेंगे तो क्या आएगा, 9 का पावर 1 9, 9 का पावर 2 करेंगे तो 81, 81 का लास्ट डिजिट क्या होगा 1, क्योंकि हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट, तो 1 लिखेंगे, 81 ना लिखे 1 लिखेंगे। 9 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, इसी को हम कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई, तो 91 जो है 9, तो 9 लिखेंगे। 9 का पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, इसी को करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 जो है 81, 81 का लिखेंगे सिर्फ 1, क्योंकि हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट का। इसका मतलब देख रहे हैं कि सेम वे में ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा, तो ये भी हमारे पास 2 लेंथ का साइकिल है 4 की तरह। देखते हैं प्रॉब्लम क्या होगा, 1 2 9 4 9, मतलब लास्ट वैसा नंबर जिसका बेस का लास्ट डिजिट है वो 9 है, पावर हमारे पास दिया 1 2 1, इसको सॉल्व करना है, देखेंगे कि वैसा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट मतलब बेस का लास्ट डिजिट है 9, इसको मुझे अगर हम इसको काट दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। देखेंगे इसका पावर क्या है, इवन की ऑड, ऑड है, ऑड है तो क्या होगा 9 का पावर 1 लिख लेंगे, 9 का पावर 1 क्या होता है 9, तो 9 हो गया। सेम में अगर हमारे पास इसी क्वेश्चन में हम 9 1 4 9 पावर लिख देते हैं 1 2 6, यहाँ देख रहे हैं कि पावर में इवेन है, तो 9 का पावर इवेन है तो क्या होगा 9 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 9 का पावर 2 मतलब 81 का क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया है जिसका बेस का लास्ट डिजिट 9 है और उसका अगर पावर हम देखेंगे वो इवेन है, तो 9 का पावर 2 लिख लेंगे और वो आंसर मुझे देगा 1, और अगर ऑड है तो 9 का पावर 1 लिख के वो देगा मुझे 9। तो ये 4 और 9 कंप्लीट हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे 2 लेंथ का साइकिल। क्यों, क्योंकि ये 2 के बाद रिपीट कर रहा है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइकिल ऑफ लेंथ 1, ये हो गया साइकिल ऑफ लेंथ 2। तो हमारे पास टोटल 6 डिजिट कंप्लीट हो गए हैं जिसका हम लोग यूनिट डिजिट आराम से लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया, ये 4 नंबर 2 3 7 8, ये 4 नंबर, मुझे इस 4 नंबर का देखना है कि इस नंबर से अगर कोई यूनिट डिजिट बनेगा तो क्या आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं साइकिल ऑफ लेंथ 4, मतलब ये 4 लेंथ का साइकिल है। कैसे देखते हैं, 2 पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा 2, स्क्वायर करेंगे तो 4, क्यूब करेंगे तो 8, 4 करेंगे तो 16, 16 का 6 लिखेंगे क्योंकि लास्ट टॉपिक यूनिट डिजिट का है। सेम अगर 5 करेंगे तो 32 करेंगे तो सिर्फ 2, 6 करेंगे तो इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 जा 4 आ जाएगा, ये 7 हो गया, कर देंगे तो 4 जा 8 हो जाएगा, 8 करेंगे तो हो जाएगा 16, और सेम वे में ये रिपीट होते रहेगा। देख रहे हैं कि 4 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, ये 4 अलग, ये 4 अलग बना रहा, मतलब 4 के बाद ये फिर से रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं कि साइकिल ऑफ लेंथ 4। अब हम क्या करते हैं, देख रहे हैं ये जो मेरा टॉपिक है, ये जो मेरा 2 का साइकिल चल रहा है, ये 4 लेंथ का है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है 1 2 4 6 2, ये क्वेश्चन है, इसका पावर है 1 2 1 4 1, बोल रहा है कि इसका जो हम लास्ट डिजिट है वो क्या आएगा,
देख रहे हैं ये बेस में टू है, बेस का लास्ट डिजिट टू है, इसका पावर है। तो हम जानते हैं कि टू को अभी अभी हमने बताया कि ये जो टू है ये फोर लेंथ का साइकिल है, तो हम क्या करेंगे, जो पूरा पावर है इसको हम फोर से डिवाइड करके देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आता है। अब वो जो रिमाइंडर आएगा वो टू का पावर भी लिखाएगा यहाँ पे। अब हमको डिवीजन चेक करने के लिए पूरे नंबर को चेक करना है कि फोर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम ये 5-6 क्लास में पढ़े हुए हैं कि अगर कोई भी नंबर को मुझे चेक करना है कि वो फोर से डिविजिबल है कि नहीं है और डिविजिबल होने के बाद उसका रिमाइंडर क्या आता है, तो हम पूरे नंबर को ना देख के हम सिर्फ लास्ट का टू डिजिट देखते हैं। अगर ये लास्ट का टू डिजिट पूरे नंबर से डिविजिबल हो गया, मतलब फोर से डिविजिबल हो गया, तो ये फुल नंबर, ये पूरा नंबर फोर से डिविजिबल हो जाएगा। चाहे इसका जो भी रिमाइंडर बचा है लास्ट का टू डिजिट का रिमाइंडर, वही ये पूरे नंबर का रिमाइंडर आएगा। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इस नंबर को हम 12100 प्लस 41 में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जानते हैं कि ये जो नंबर है लास्ट में अगर डबल जीरो है तो ये नंबर फोर से डिविजिबल होगा ही होगा, और जो बच गया लास्ट का 41 वो इसी केस का ही सिमिलर हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, मुझे चेक करना है कि ये नंबर फोर से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करेंगे, लास्ट का फोर डिजिट देखेंगे 41। जानते हैं कि 41 फोर से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1, तो लिख देंगे 1। अब टू का पावर 1 क्या होता है, 2, तो 2 मेरा हो गया आंसर। सेम है अगर हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लें, 1 2 4 6 2 1 2 4 3 2, ये लेते हैं। अब देखते हैं ये लास्ट का बेस 2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर पावर क्या है, पावर को क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट का 2 डिजिट ये 4 से डिविजिबल है पूरा का पूरा। तो एक बात और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो हम 2 का पावर 0 नहीं लिखेंगे, 2 का पावर क्या लिखेंगे, 4। अगर रिमाइंडर बचेगा 1 तो 2 का पावर 1 लिखेंगे, अगर बचेगा 2 तो 2 का पावर 2 लिखेंगे, और अगर बचेगा 3 तो 2 का पावर 3। लेकिन अगर ये नंबर पूरा पूरा 4 से डिविजिबल हो जाता है तो 2 का पावर 0 ना लिखे हम 2 का पावर 4 लिखेंगे, क्योंकि अगर 2 का पावर 0 लिख देंगे तो वैल्यू 1 दे देगा, जो कि इसका सिमिलर है ही नहीं। इसीलिए हम अगर वो नंबर मेरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो हम 2 का पावर 4 लिखेंगे। हम जानते हैं कि 2 का पावर 4 क्या होगा, 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। एक क्वेश्चन और ट्राई कर ले, अगर 1 2 4 6 2 है, 4 2 बढ़ा ही देते हैं, इसमें हम लेते हैं 1 2 4 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट का टू डिजिट देखेंगे 4 3, जो कि क्या देगा मुझे, डिवाइड करेंगे अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3, जो कि 2 का पावर 3 मतलब 8, तो आंसर क्या हो गया, 8। सेम वे में हम 2 से कोई भी क्वेश्चन अगर दिया जिसका बेस 2 से इंड हो रहा है, उसका पावर अगर कुछ भी रहे तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या ध्यान देने वाली बात क्या है कि पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 आया तो 1 लिखेंगे, 2 आया तो 2 लिखेंगे, 3 आया तो 3 लिखेंगे। लेकिन अगर पूरा का पूरा डिवाइड हो गया है तो हम 2 का पावर 0 ना लिखकर हम 2 का पावर 4 लिखेंगे, जो कि 2 का पावर 4 क्या देगा, 6, 6 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 2 लेंथ का साइकिल, मतलब 2 से रिलेटेड जितने भी यूनिट डिजिट होंगे वो आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं हम 3 पे, 3 का पावर 1 क्या होगा, 3, 3 का पावर 2 क्या होगा, 9, 3 का पावर 3 क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 9 3 27 को अगर लिखेंगे तो हमको सिर्फ मुझे यूनिट डिजिट देखना है, तो यूनिट डिजिट क्या है, 7, तो हम सिर्फ 7 लिखेंगे। अगर पावर 4 निकालेंगे तो क्या होगा, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 7 3 21 21 को हम लिखेंगे सिर्फ 1, क्योंकि मेरा टॉपिक है यूनिट डिजिट। सेम वे में अगर हम 5 लेके चलेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो आ जाएगा ये 3, 6 लेंगे तो इसको करेंगे 3 से, 3 3 9, 7 करेंगे तो इसको करेंगे 3 से, 9 3 27 27 का लिखेंगे सिर्फ 7, इसको करेंगे हम पावर 8, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 7 3 21 21 का लिखेंगे सिर्फ 1, और सेम वे में ये रिपीट होते जाएगा। तो देख रहे हैं कि ये जो मेरा साइकिल है ये भी 4 लेंथ का है, 3 9 7 1 3 9 7 1, सेम में ये रिपीट होते रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 3, इसका पावर है हमारे पास 1 2 1 4, ये 4 लेंथ का साइकिल है। तो सेम वे में हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे,
चार से पावर को डिवाइड करने के लिए हम पूरे नंबर को ना डिवाइड करके सिर्फ लास्ट का टू डिजिट डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं, अगर इसको हम 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूरा लिख के हम यहाँ नीचे में क्या लिखेंगे बेस में, सिर्फ 3। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इसको अगर हम काट भी तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसमें यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर लिखें पावर में क्या है, 14, 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। तो 3 के पावर उसका क्या होता है, 9। तो 9 मेरा आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 1, 2, 3, 4 चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन, 1, 4, 3, 6, 3, 1, 4, 1, 9, 2। कोई इसका पावर निकालना है, देख रहे हैं बेस स्टार्ट है, बेस मेरा खत्म हो रहा है 3 से, लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड करेंगे 4 से, क्या होगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9, 2, 4, 2 जा 8, 12। ये पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जा रहा है। तो हम बताए थे कि अगर पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है तो हम 0 ना लिख के लिखेंगे, 3 का पावर 4। अब 3 का पावर 4 किसके सिमिलर है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 तो 1 हो गया मेरा आंसर। अगर सेम मेरा इसको हम चेंज कर देते, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 1, तो क्या होता, ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर क्या बताता मेरा, 3। 3 के लिए क्या करते हैं हम, 3 का पावर 3, आंसर हो जाता है मेरा 7, क्योंकि ये इसके सिमिलर है। अगर यहाँ पे 0 होता तब क्या होता, इसका रिमाइंडर क्या बन जाता, 3 का पावर 2, जो कि 9 के सिमिलर है। सेम वे में हम 3 से अगर कोई भी नंबर इंड हो रहा है, उसका पावर कुछ भी रहे, तो आराम से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं 7 पे, 7 का पावर तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 7 से 21, 21 का लिखेंगे केवल 1। सेम अगर काम करेंगे तो ये रिपीट होगा, देख रहे हैं ये भी जो है, ये भी एक बार निकाल के दिखाएंगे, देते हैं हम 7 का पावर 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से 7, देख रहे हैं कि अब जो क्या होगा, ये रिपीट होगा। तो ये भी देख रहे हैं कि ये भी 4 लिंक का साइकिल है। सेम अगर हमारे पास क्वेश्चन है 1, 2, 7, 5, 7, इसको हम पावर करेंगे 1, 2, 1, इसका इसका आंसर क्या आएगा, देख रहे हैं 7 है, ये भी 4 लिंक का साइकिल है। क्या करेंगे, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के लिए सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, देख रहे हैं कि अगर 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर केवल 1 आएगा, जो कि 7 का पावर 1 = 7। अगर इसको हम यहाँ बढ़ा दें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, लास्ट डिजिट 7, पावर है 1, 2, 3, 4, देखेंगे लास्ट का 2 डिजिट 3, 4, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 49, 49 का क्या हो जाएगा, केवल 9, 9 मेरा आंसर। सेम वे में अगर हम, अगर कोई भी नंबर हमारा 7 से इंट हो रहा है तो उसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट जो मेरा बच गया है 8, 8 से क्या है, 8 का पावर 1 करेंगे तो 8, स्क्वायर करेंगे तो 64, 64 का क्या हो जाएगा, 4, क्यूब करेंगे तो इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, 8, 4 जो 32, 32 का क्या हो जाएगा, 2, इसको करेंगे पावर 4, इसी कर देंगे 8 से, 8, 2 जा 16 का, 16 का क्या हो जाएगा, 6। सेम वे में अगर हम 5 निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, 8, 6 जा 48 का हो जाएगा 8, देखेंगे अब क्या होगा, ये रिपीट होगा। तो यही मेरा जो लेंथ है वो भी 4 लेंथ का साइकिल है। अब हम क्वेश्चन इससे सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम 1, 2, 8, 4, 8, इसका अगर पावर दिया है 1, 2, 4, 8, क्या करेंगे, लास्ट वैसा नंबर है जिसका बेस का लास्ट डिजिट है 8, पावर देख रहे हैं, पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो लेंथ है ये 4 साइकिल का है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे लास्ट का 2 डिजिट, तो क्या करेंगे, ये नंबर जो 48 है ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। हम बताए थे कि अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो हम पावर 0 ना लिख के क्या लिखेंगे, रिमाइंडर 0 ना लिख के क्या लिखेंगे, 4। तो 8 का पावर 4 क्या होगा, 6, तो 6 मेरा आंसर हो जाएगा। सेम में अगर मान लीजिए मेरे पास 1 रहता है, यहाँ पे हम 1 डाल दिए, अब क्या आंसर होगा, अब देख रहे हैं कि इसको इसको हम इसको डिवाइड करेंगे, ये जो बच गया इसको डिवाइड करेंगे, 81 लास्ट 2 डिजिट है मेरा, अब 81 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1, 8 का पावर 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर हमारे पास 3 लिख दिए, पावर को हम बढ़ाते जा रहे हैं, अब क्या होगा, मेरा लास्ट का 2 डिजिट 13 हो जाएगा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब इसका पावर 13 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा,
वन बच जाएगा, रिमाइंडर 8 का पावर 1 क्या आ जाएगा, 8। तो 8 मेरा मेरा राइट आंसर हुआ। तो आई थिंक इसी से सारा आप 2, 3, 7, 8 इस लेंथ जो 4 लेंथ का साइकिल है इससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्या हुआ कि टोटल जो नंबर हमारा है वो टोटल तीन पार्ट में बट गया है। पहला वो है जिसका लेंथ 1 लेंथ का साइकिल है, उसमें क्या करना है मुझे, अगर 5, 1, 6, 0 से कोई भी बेस का एंड हो रहा है और उसको पावर कुछ भी रहेगा उसमें एज इट इज नंबर पुट कर देना, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। 2 लेंथ का साइकिल में क्या हुआ है कि अगर 4 और 9 से कोई भी नंबर का जो मतलब कोई भी बेस है उसका एंड हो रहा है और उसका पावर कुछ भी रहे तो देख लेंगे कि उसका पावर क्या है, इवन या ऑड। अगर इवन रहेगा तो 4 का पावर 2 और अगर ऑड रहेगा तो 4 का पावर 1, उसे आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर मेरा 2, 3, 7, 8 है तो वो 4 लेंथ का साइकिल है, इस वे में हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, पहले देखेंगे ये सब, अगर बेस में ये सब है, बेस ये सब से एंड हो रहा है तो उसके पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के लिए पूरे पावर को हम सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसके पावर में लिख देंगे और उसको सॉल्व करके लिख देंगे आराम से। तो ये हमारा यूनिट डिजिट, आप चाहो तो आप किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट चाहे कितना भी बड़ा हो आराम से निकाल सकते हो। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को आपके लिए दे रही हूँ, ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो उसका आंसर प्लीज मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं। अभी हम लोग यूनिट डिजिट का टॉपिक पढ़े हैं, देखते हैं उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है नेट 2011 में जो कि 3 मार्क्स का है, कैसे बनेगा। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 का पावर 100। जान रहे हैं ये जो 2 का पावर 100 है ये हमारा साइकिल ऑफ लेंथ 4 का है, इस बॉक्स में आता है। तो हम क्या बोले थे कि अगर बेस में 2, 3, 7 और 8 रहेगा तो क्या करेंगे, जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसके सॉल्व करने के बाद वो आंसर मेरा हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा, 2 का पावर 100 है तो क्या करेंगे, हम 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये मेरा क्यों 4 से क्यों डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 4 लेंथ का साइकिल है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। हम जान रहे हैं कि 100 जो होता है ये पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है, तो जो नंबर पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है तो हम ये भी बताए थे उसको हम पावर 0 ना लिख के लिखेंगे रिमाइंडर 4, क्योंकि ये पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जा रहा है। पूरा का पूरा डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर बच रहा है 0, तो हम बताए हुए थे कि अगर रिमाइंडर अगर 0 आए तो हम 2 का पावर 0 ना लिख कर लिखेंगे 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 लिखें, अब ये 2 का पावर 4 क्या आएगा, जिसको आप ऐसे कर सकते हो 2 का पावर 2 × 2 का पावर 2। ये क्या आएगा, 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 × 2 का पावर 2 4। 4 × 4 क्या होगा, 16। 16 का क्या लिखेंगे हम, लास्ट डिजिट 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। 2 का पावर 100 का लास्ट डिजिट हो गया 6। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 मार्क्स में नेट जून 2011 में पूछा गया है।